वैसो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्ट्रगलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये मूवी आज मैंने देखी दिन में, ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। ये एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है बेसिकली। अगर कोई इंसान किसी चीज को सुधारने के ऊपर आ जाए और उसका डेडिकेशन जो है वो हमेशा हाई लेवल पर रहे, तो वो इंसान कुछ भी करके निकल सकता है। तो यहाँ पर ये पर्सनैलिटी है जिनका नाम इसमें रहता है, यहाँ पर गीता रानी। तो यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर एक स्कूल का सुधारने की कोशिश की गई, एक पर्टिकुलर लोकल एरिया के, तो उसके ऊपर ये मूवी है। तो एजुकेशन सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, थोड़ा सा उसी डायरेक्शन में बढ़ते हुए कदम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इनके द्वारा एक मैसेज दिया गया है। काफी शानदार मूवी है, पूरी मूवी आप लोगों को शानदार तरीके से बांधे रखेगी और काफी अच्छे तरीके से मूवी को फिल्माया गया है। मतलब मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी, तो आप लोग देखिएगा मूवी, काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। तो मैंने इसको शेयर भी किया था टेलीग्राम पर भी और फेसबुक पर भी, मैंने इसका लिंक शेयर कर दिया था, इवन ट्विटर पर भी, ठीक है। तो हर जगह जहां भी आप लोगों को सुटेबल लगे जाकर इसको देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, फिर डायरेक्ट यूट्यूब पर भी आप लोग जाकर मैडम गीता रानी के नाम से तो ये मूवी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो देखने के बाद में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताया कीजिए, क्योंकि देखिए कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक बच्चे ने बोला जब मैंने पहली बार मूवी बताई कि सर मूवी बड़ी देखते हो। यार देखो, मूवी जो ना मैं हमेशा कभी भी उस तरीके से नहीं देखता हूँ कि मुझे एंटरटेनमेंट करना है। मतलब मुझे मूवी एक तरीके से ऐसी अच्छी लगती है जो कुछ मैसेज देकर जाती है, कुछ सिखाकर जाती है, ठीक है। एंटरटेनमेंट अपनी जगह है वैसे तो, वो भी सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वो नहीं देखनी चाहिए, अपना एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो मूवी। पर लेकिन जो इस तरीके की जो मूवी होती है ना, जो सोसाइटी में जो चल रहा है उसका चेहरा आप लोगों को दिखाती है, वो मूवी मुझे बड़ी अच्छी लगती है पर्सनली। तो ये भी उनमें से एक वन ऑफ मूवी आप लोग बोल सकते हैं जो मुझे काफी अच्छी लगी और हमारी ही फैमिली के एक मेंबर के द्वारा शेयर की गई ये मूवी। तो बोला गया सर देखिए, तो मुझे काफी अच्छी लगी। तो थैंक्स, इस तरीके की अगर कोई मूवी आप लोगों को लगती है तो जरूर शेयर किया कीजिए, ठीक है। और जो मुझे अच्छी लगती है मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को मुझे बतानी है, ओके। अब ये नहीं कि सारे लग जाए मूवी बताने के लिए, एक आधी मूवी देख लेनी चाहिए 10 दिन में, 15 दिन में, जब भी आप लोगों को टाइम मिले बस। बेसिकली इसलिए थोड़ा सा आप लोग नई चीजें सीखेंगे और डेडिकेशन भी आप लोग का बना रहेगा और मोटिवेशन भी, ठीक है। पर लेकिन ये प्रोग्रेसिव पॉजिटिव मूवी थोड़ी सी, ठीक है, जिससे आप लोग जिस तरीके से मान लीजिए आप लोग फ्यूचर में अगर किसी पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, या फिर किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो वहां पर आप लोगों का जो डेडिकेशन है उससे आप लोगों को पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि हाँ आप लोग एक तरीके से क्या क्या अपनी कंट्री में कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी मूवी अपने फील्ड से आप लोगों को देखने को मिले जरूर देखिए। यहां पर जो बात की जा रही है, आज का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड साइट डे के बारे में, यानी कि आंखों की रोशनी के बारे में आप लोग बेसिकली इसको बोल सकते हैं। ये जो सेलिब्रेट किया जाता है सेकंड सेकंड जो थर्सडे होता है, ठीक है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार जो सेकंड थर्सडे आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है 8 तारीख को। तो ये जो डे है यहां पर 8 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली ये रहता है जो ब्लाइंडनेस, यानी कि जिनको दिखाई नहीं देता है, फिर जिनका जो विजन है वो कंप्लीट नहीं रहता है, उसके ऊपर एक अटेंशन देने की बात की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा अगर आसपास में कोई ऐसा पर्सन हो जिसको दिखता नहीं है, तो कई बार उसको गलत तरीके से हमारी सोसाइटी में देखा जाता है। कई बार अंधा बंधा, पता नहीं मतलब क्या क्या बोलते हैं कि अंधा है तू, फलां ढिमकाना, मतलब इस तरीके जो टोन यूज की जाती है और ऊपर से फिर बेचारा शब्द जो यूज किया जाता है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में उस पर्टिकुलर पर्सन की जो एक पोजीशन है उसको वीक कर देता है। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अगर किसी इंसान जो किसी को दिखता नहीं है तो आप लोगों से किसी भी सेंस में कमजोर है, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा जिस इंसान की आंखें नहीं है वो इंसान जो है वो आसपास की चीजों को इतना ज्यादा शानदार तरीके से महसूस कर पाता है कि उसको पता रहता है एक एक एग्जैक्ट चीज है उसको, वो हर एक इंसान को आवाज से पहचानने लगता है, आसपास में कुछ भी चीज है उसको सेंस से ही समझ लेता है यहां पर क्या है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर कभी भी आप लोगों को लगता है जैसे महात्मा गांधी जी का एक मंत्र था कि देश के लिए कैसे हम लोग क्या करें, पार्लियामेंट में जब बैठ जाकर बैठ जब महात्मा गांधी से पूछा गया, उन्होंने बोला कि एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिनको लाइफ में आप लोगों ने देखा है कि एक दुनिया में सबसे गरीब इंसान है। तो अगर कोई डिसीजन आप लोग लेते हैं और वो उस इंसान की लाइफ पे कोई इंपैक्ट डालता है तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। कुछ ऐसी बातें यहां पर है, अगर आप लोगों को लगता है कि इन इंसान की लाइफ आप लोगों को देखनी है तो आधे घंटे या फिर 15 मिनट के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधिए बिल्कुल, जिससे आप लोगों को बाहर नहीं दिखे, आप लोग एक्सपीरियंस ले पाएंगे कि कैसी लाइफ रहती है। तो आप लोगों को एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा उनसे, ना कि बेचारे वाली नजरों से आप लोग देखेंगे। फिर आप लोगों को लगेगा यार हमसे ज्यादा कॉम्पिटिशन है इनकी लाइफ में, हमसे ज्यादा स्ट्रगल है इनकी लाइफ में, जहां जो चीजें हम लोग को आसानी से मिल जाती है इनको उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो बेचारा नहीं, फिर आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा उनसे, ठीक है। तो यहां पर जो बेसिकली इसके ऊपर फोकस किया गया है, तो साइट फर्स्ट कैंपेन ऑफ लंदन क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन, ये 2000, तो इसके द्वारा यहां पर इसको इनिशिएट किया गया था 2000 में। जो थीम है यहां पर बोला जा रहा है होप इन साइट, ठीक है, तो होप इन साइट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इसकी थीम है, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, तो अगर बने तो आइडिया रखिएगा, ठीक है।
एक ही हल्की सी वीडियो मैंने बनाई थी, हल्की फुल्की वीडियो, जिसके बारे में आप लोगों को बताया भी था। तो कई सारे बच्चे बोले सर करंट अफेयर ही एक ऐसी चीज है जिससे क्लियर किया जा सकता है। मैंने ऐसा नहीं बोला यार, वीडियो को ध्यान से सुना करो। मैंने बेसिकली ये बोला कि करंट अफेयर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि एग्जाम में रोल प्ले करता है, आप लोगों को गाइड करता है। मैंने ये नहीं बोला कि करंट अफेयर, मैंने बोला करंट अफेयर आप लोगों के लिए कृष्ण का काम करेगा, ठीक है। तो कृष्ण ने युद्ध नहीं लिया है, कृष्ण ने उनको गाइड किया है पूरे महाभारत में, तो इसलिए मैंने इसके साथ में इसको कंपेयर किया है। तो थोड़ा सा उसको उस तरीके से देखिए जो बताने का पर्पज रहता है बेसिकली, ठीक है। तो ये मेरा बताने का पर्पज था, पर आप लोग उसको गलत तरीके से थोड़ा मतलब देखा कीजिए, जो बोलता हूँ वो सब पकड़ा कीजिए, ना कि अलग से एक अलग परसेप्शन बना के फिर आप लोग बताते हो तो ऐसा लगता है कि वीडियो भी नहीं देखी है, कमेंट कर दिया फालतू में, ठीक है। तो उससे ऐसा लगता है कि मतलब बिना चीजों को देखिए आप लोग चीजों पर जजमेंटल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के बारे में। इसके जो मिनिस्टर हैं ये है अर्जुन मुंडा जी, ठीक है। तो इनके द्वारा वर्चुअली इनके एक तरीके से ऑनलाइन लॉन्च किया गया है इंडिया का लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो मार्केट प्लेस है। बेसिकली ट्राइबल जो भी कम्युनिटी होती है, अगर उनके कोई प्रोडक्ट होते हैं ताकि उनको ऑनलाइन वगैरह बेचा जा सके और उनको जनता तक पहुंचाया जा सके, इसके चलते इनके द्वारा यहां पर ये इसको लॉन्च किया गया है। तो यहां पर ये ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट जो प्लेस है यहां पर, ये एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है जिसके थ्रू TRIFED, ये काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसको बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया TRIFED। ये एग्जिस्टेंस में जो आई थी 1987 में आई थी, नेशनल लेवल की बॉडी है। जो भी फंक्शन होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर में, ये इसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसके न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर के साथ साथ में 13 रीजनल ऑफिस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जो ट्राइबल कम्युनिटी से जो रिलेटेड चीजें हैं उनको कैसे सपोर्ट करना है, इसके ऊपर ये काम करती है। एक और चीज आप लोग यहाँ पर याद रखिए, कई बार आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, APEDA, ठीक है। ये क्या होता है, इसको इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेब्लिश की गई थी यहाँ पर 1985 में आप लोगों को देखने को मिली, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उनको कैसे मार्केट तक लेकर जाना है, तो ये दो जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी ट्राइबल जो कम्युनिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर जो बोला गया ट्राइबल जो इंडिया ई मार्केट प्लेस है, वो एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है यहां पर, जिसका एम है 5 लाख से भी ज्यादा जो ट्राइबल प्रोडक्ट है, जो इनके द्वारा जो प्रोड्यूस जो ट्राइबल प्रोड्यूसर हैं, जो एक तरीके से वेरियस हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम या फिर नेचुरल फूड या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो सोसाइटी को फायदा पहुंचा सकता है, जैसे कि यहां पर आप लोगों को एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि हैंडमेड कई सारे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। कई बार आप लोगों ने टोकरियां देखी होगी जो एक तरीके से लकड़ियों के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, वुड से बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें यहां पर जो सामने निकल कर आती है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो कैसे उनको एक एक्सपोजर मिले ताकि उनका प्रोडक्ट भी मार्केट में निकल कर आए। जो सप्लायर हो सकता है इंडिविजुअल जो ट्राइबल है वो सकते हैं, यहां पर ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एजेंसी या फिर एनजीओ, ये मिलकर यहां पर इसके लिए काम कर सकते हैं। तो ये पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है जो TRIFED मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर में। तो इसके चलते यहां पर जो कई सारे प्रोडक्ट है, जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह है, जो भी इनके द्वारा जो हथकरघा से भी जो चीजें बनाई जाती हैं ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा, उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है यहां पर, जो कि डायरेक्ट यहां पर मार्केट में प्रोडक्ट देखने को मिलेगा बिना किसी बिचौलिया के। तो इससे क्या होगा, इनको इनके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डायरेक्टली यहां पर मिल पाएगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट जो चीजें हैं, इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में जो इंडियन आर्मी है उसको एडवांस करने की कोशिश की जा रही है, और अच्छे लेवल पर कम्युनिकेशन के फील्ड में। तो जो हिस्से रिलेटेड जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसके द्वारा यहां पर अप्रूवल किया गया एक पर्टिकुलर सिस्टम, जिसका नाम याद रखिएगा, इसको बोला जा रहा है आर्मी स्टेटिक स्विस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग यहां पर ASCON, इसका फेज 4 आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा नेटवर्क का। तो ये जो बेसिकली यहां पर स्टेब्लिश किया जा रहा है, यानी कि इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो MSITI ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसके द्वारा यहां पर ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। प्रोजेक्ट जो है यहां पर एक तरीके से स्ट्रेटेजिक जो थिएटर ऑफ कमांड कम्युनिकेशन नेटवर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड टेक्नोलॉजी में काम करेगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, यानी कि एक तरीके से कम्युनिकेशन किया जाएगा और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर वे में स्टेब्लिश किया जा सके। अपने जो आसपास वाले एरिया है उनको एक तरीके से, उन्हें कहते हैं कि उनको एक तरीके से
देख रेख करना उनकी, ठीक है। तो उसके एक तरीके से जो यहाँ पर जो सर्वे होता है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, तो वो भी देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से आप लोग चीजों को रेस्पॉन्स करते हैं, उसका रिप्लाई करते हैं, वो देखने को मिलेगा। हाई बैंडविड्थ इनहेंस किया जाएगा कम्युनिकेशन को, खासकर जो बॉर्डर वाले एरिया है, इंटरनेशनल बॉर्डर है जहां पर LOC के साथ में या फिर LAC के साथ में। तो जो चाइना की अभी हरकतें चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, जो दिल्ली में बैठे रहते हैं हमारी कंट्री में सारे कर्ता धर्ता उनके साथ में, जो बॉर्डर एरिया में हमारी कंट्री की फोर्सेज है उनका। अगर इमीडिएटली कोई ऐसा स्टेप उठाना है तो तुरंत वो स्टेप यहां पर उठा सके, तो फायदा ये रहेगा कि डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग यहां पर हो पाएगी। तो ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है और माइक्रो जो बेसिकली माइक्रो रेडियो एंड सैटेलाइट की हेल्प से यहां पर ये चीजों को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन के फील्ड में फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री ऑन द LOC और यहां पर जो LAC वाला एरिया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज थी जो कि आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए, खासकर जब से इंडिया और चाइना में झड़प हो रही है ये चीजें थोड़ी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। नेक्स्ट यहां पर जो न्यूज है बात की जा रही है रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एडिशन नेशनल स्टार्टअप अवार्ड। तो हमारी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है अभी नेशनल स्टार्टअप अवार्ड आप लोगों को देखने को मिल रहा है और ये इसका फर्स्ट एडिशन है 2020 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये रिलीज किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उसके अंडर में यहां पर ये अवार्ड आते हैं। जो भी स्टार्टअप क्या होते हैं, जो नए नए बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं उनको स्टार्टअप आप लोग बोलते हैं। तो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड यानी कि जो नए नए स्टार्टअप है अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके लिए अवार्ड है यहां पर जो हमारी कंट्री में देखने को मिलता है। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड जो इंटरनल ट्रेड है जिसको DPIIT आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा फर्स्ट एवर नेशनल स्टार्टअप जो अवार्ड है वो यहां पर अभी देखने को मिला। एम क्या है कि हमारी कंट्री में एक इकोसिस्टम तैयार करना ताकि जो लोग हैं वो जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बने, यानी कि जॉब मांगने वाले नहीं जॉब देने वाले बने। तो इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि रिकॉग्नाइज करने के लिए आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम इनेबल करने के लिए हमारी कंट्री में बेसिकली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहां पर जो एक तरीके से इनोवेशन आप लोगों के सामने निकल कर आएगा, नई नई टेक्नोलॉजी निकल कर आएगी, नए नए एंटरप्रेन्योर निकल कर आएंगे और जो हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा, वेल्थ क्रिएशन बढ़ेगा, तो इसके चलते कहीं ना कहीं सोसाइटी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। नॉर्मली आज के में भी हमारी कंट्री में जो लोग हैं गवर्नमेंट जॉब को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। रीजन क्या है, उनको ये लगता है कि जो स्टार्टअप वगैरह है ये स्टार्ट करने में पैसा काफी लगता है या फिर बहुत सारे लोगों इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो उसको जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। भले ही पर्सन जो है अपना खुद का काम करके 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए कमा ले, पर लेकिन जब तक उसके पास में कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो 20-30-40-50 हजार रुपए की, तब तक उसको सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। तो ये ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। पर लेकिन हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य है गुजरात जहां पर इन सब चीजों को साइड में रखकर जो गवर्नमेंट जॉब है वो हमेशा अपने बिजनेस पर फोकस करते हैं। तो इस तरीके से और कंट्री में भी नए नए जो स्टार्टअप अभी निकल कर आ रहे हैं उसको सपोर्ट किया जाए ताकि जॉब देने वाले बने ना कि जॉब लेने वाले। तो इसी के चलते यहां पर इनवाइट किया गया एप्लीकेशन अक्रॉस द 12 सेक्टर। 12 सेक्टर कौन कौन से हैं, कुछ सेक्टर आप लोगों के सामने जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इसी के साथ में एजुकेशन, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एंटरप्राइज, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, फाइनेंस, फूड, हेल्थ, इंडस्ट्री, ठीक है, स्पेस, सिक्योरिटी, टूरिज्म या फिर अर्बन सर्विस। तो यहां पर 5 लाख ईच यहां पर ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्टअप होंगे उनको यहां पर दिया जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है उसके द्वारा यहां पर इसको सपोर्ट किया गया। 12 सेक्टर जो है ये काफी इंपोर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इस तरीके से 12 सेक्टर के नाम से जिस तरीके से यहां पर आप लोगों को बताया, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। एक टर्म आप लोगों ने यहां पर देखा होगा जो थोड़ा सा अलग आप लोगों को देखने को मिला, यहां पर लिखा हुआ है इंडस्ट्री 4.0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है आने वाले टाइम में, तो उसको भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। तो ये जो 12 सेक्टर है यहां पर ये आप लोगों से डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं इसके बारे में क्वेश्चन। तो 12 सेक्टर याद रखिएगा जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में कुछ आइडिया। और हाँ, कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को एक तरीके से सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी ये काफी बड़ी हेल्प करेगा यहां पर। नेक्स्ट यहां पर जो न्यूज है ये एनवायरमेंट के बारे में आप लोग इसको यहां पर बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा अभी यहां पर जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, सेंट्रल जू अथॉरिटी प्राणी मित्रा अवार्ड यहां पर दिया गया है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे यहां पर, यह है प्राणी PRANI, प्राणी मित्रा यानी कि दोस्त, ठीक है, तो प्राणियों का दोस्त यानी कि जीव जंतुओं का दोस्त,
एक तरीके से जो भी जू के, यानी कि जैसे आप लोगों ने सुना चिड़ियाघर, तो उसके जो ऑफिसर्स होते हैं, फिर उसके स्टाफ होते हैं जो वहां पर काम करते हैं एनिमल को मैनेज करने के लिए, वहां पर इसी के साथ में उनके वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, एनिमल्स को एक तरीके की चीजें यहां पर प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके चलते यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग है कि कम से कम उन लोगों के अंदर भी एक मोटिवेशन होना चाहिए। अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये अवार्ड जो है ये चार कैटेगरी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर या फिर क्यूरेटर, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग जो वितरण होते हैं, ठीक है, इसी के साथ में आउटस्टैंडिंग बायोलॉजिस्ट या फिर एजुकेशनिस्ट, आउटस्टैंडिंग यहां पर बायोलॉजिस्ट एजुकेशनिस्ट, और इसी के साथ में आउटस्टैंडिंग एनिमल कीपर, ठीक है। तो ये यहां पर आप लोगों को अवार्ड देखने को मिलेगा जो यहां पर दिया जाता है बेसिकली। तो सेंट्रल जो अथॉरिटी, जो मिनिस्ट्री जो आप लोगों को देखने को मिलेगा एनवायरमेंट के द्वारा, ये यहां पर इसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये जो सेंट्रल जो अथॉरिटी एस्टेब्लिश की गई थी ताकि जो फंक्शन है हमारी कंट्री में जहां पर भी चिड़ियाघर यानी कि इंडियन जू है उनको देखा जा सके, और उसी के साथ में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किया जा सके थ्रू XC2 मेजर। देखिए दो टर्म आप लोगों को देखने को मिलती है, एक को बोलते हैं इनसीटू, ठीक है, इन SITU, एक आप लोगों ने यहां पर देखा इसको बोलते हैं XC2। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए कोई एक फॉरेस्ट एरिया है ये, ठीक है, तो इस फॉरेस्ट एरिया में जो जीव जंतु जानवर हैं उनको उनके फॉरेस्ट एरिया में ही उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करना, ये एक तरीके से जहां पर वो रहते हैं उसी इन्वायरमेंट में उनको वहां पर एक तरीके से उनको एक्सप्लोइट करने से रोकना, उनको प्रोटेक्ट करना, तो ये कहता है इनसीटू, यानी कि जहां पर वो रहते हैं। पर लेकिन अगर लगता है कि यहां पर पेड़ पौधे सब काट दिए गए, पीने के लिए पानी नहीं है, बंजर चीजें हो गई हैं सारी, यहां पर पशु पक्षी मर जाएंगे, तो वहां से निकाल कर उसको किसी ऐसे एरिया में रखा जाए जहां पर उसको प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसको बोलते हैं XC2, यानी कि जहां पर वो रहते हैं वहां से निकाल कर कहीं और लेकर जाना उसको बोलते हैं XC2। तो इनसीटू और XC2 के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो अवार्ड है इसके चलते 160 जो जू हैं यहां पर, खासकर जो रेस्क्यू सेंटर हैं उनको यहां पर इसमें काउंट किया जा रहा है, ताकि एनिमल हाउसिंग और जो वेलफेयर जो है उसके स्टैंडर्ड को भी यहां पर सेट किया जा सके और उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो एक अच्छा पैटर्न आप लोग यहां पर बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो काफी अच्छा है। यहां पर एक तरीके से सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं जो एक इंसानियत है जानवरों को लेकर, तो उसके लिए एक तरीके से अंदर से एक एथिकल एटीट्यूड यहां पर नजर आएगा लोगों का, ताकि उनकी जो नैतिक शिक्षा नहीं बोलते थे आप लोग पहले, वो सामने निकल कर आएगी अगर इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिले। तो नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो हमारी कंट्री में जो आज के डेट में एजुकेशन मिनिस्टर है उनका नाम है श्री रमेश पोखरियाल निशांक। तो अगर देखिए आप लोगों से एजुकेशन के बारे में कुछ बातें मैं फिर से यहां पर कर लेता हूं, रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा। जो हमारी कंट्री में फिलहाल एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ये जब राजीव गांधी जी थे उससे पहले भी इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री ही बोला जाता था, तो राजीव गांधी ने इस मिनिस्ट्री का चेंज करके ये ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी कि HRD मिनिस्ट्री इसका नाम कर दिया गया था। पर लेकिन फिर से अभी फिलहाल यहां पर जब यहां पर प्रेजेंट गवर्नमेंट पावर में आई तो इनके द्वारा इसका नाम चेंज करके फिर से एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। एक तो ये बात याद रखिएगा, पहले एजुकेशन जो था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको आज की डेट में कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। जो हमारे संविधान में सात जो शेड्यूल है, सातवां शेड्यूल है, उसमें तीन लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहले ये स्टेट लिस्ट में होता था, पर लेकिन 42वां संशोधन करके संविधान में 1976 में इसको लाया गया यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर में। तो जिसके चलते आज के में सेंट्रल स्टेट दोनों इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप लोग बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले हमारी कंट्री में जो निकल कर आई होती 1968, ठीक है, उसके बाद में 86 आई और आज के डेट में 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी थी हमारी कंट्री की। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों से कहीं भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती है। अब न्यूज के बारे में बात करते हैं। हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर हैं एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक, इनके द्वारा एक अभी यहां पर न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो बिल्डिंग है यहां पर हैदराबाद के अंदर रीजनल सेंटर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी, ठीक है, तो ये है यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। तो ये बेसिकली रीजनल सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा हिंदी को लेकर। टारगेट यहां पर ये बोला गया कि हमारे संविधान में जो आठवां शेड्यूल है उसमें टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसको बोला जा रहा है कि इम्पावर करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों तक जो लैंग्वेज है उसको अच्छे से यहां पर पहुंचाया जा सके, तो उसी का पार्ट इसको बोला गया है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया था 1960 में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पहले आप लोग HRD मिनिस्ट्री बोलते थे, अंदर आते हैं, रन किया जाता है यहां पर केंद्रीय हिंदी संस्थान मंडल के द्वारा। जो इंस्टीट्यूट है मेनली कंडक्ट करता है कई सारे प्रोग्राम, जैसे कि एक्टिविटीज जो होती है टीचर्स के लिए, ट्रेनिंग, रिसर्च, प्रमोशन, इसी के साथ में जो भी यहां पर एक तरीके से प्रोपगेशन होता है ऑफ हिंदी, जो एक तरीके से जो हिंदी है, ठीक है, उसको नेशनल और इसी के साथ में इंटरनेशनल लेवल पर इनकी हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करने का काम यहां पर किया जाता है। सेंटर इसका आगरा में है, जो कि 8 रीजनल सेंटर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी क्वेश्चन बने तो एक तरीके से माइंड में हल्की सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली अभी लैंग्वेज को लेकर कई सारी चीजें न्यूज में है। तो आठवां शेड्यूल हमारे संविधान का, उसमें 22 लैंग्वेज है, ये बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, और हाँ इसी के साथ में ये मूवी टाइम मिले तो जरूर देखेगा, और ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाइए, कुछ माइंड में डाउट हो तो फिर देखिए इसको जरूर बताइएगा, ठीक है। इसी के साथ में कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर क्विज क्यों नहीं आ रहे हैं, क्विज जो है नेक्स्ट वीक से इसको स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कई सारे जो बच्चे हैं वो अभी कुछ तो पेपर को लेकर अभी नया नया पेपर हुआ है तो इसके चलते थोड़ा सा अपने आपको रिलैक्स कर रहे हैं। इसी के साथ में कई सारे जो बच्चे हैं अभी एक आधा स्टेट पीसीएस का एग्जाम भी है उसके लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर ये चीजें खत्म होती है तो आप लोगों को 12 तारीख से जो है प्रॉपर लेक्चर, जिसमें हिंदू वाले लेक्चर में क्वेश्चन वगैरह भी डालना स्टार्ट करूंगा, तो 12 तारीख तक का बस थोड़ा सा वेट कीजिए। तब तक है तो आप लोगों का जो एजुकेशन है वो नहीं रुकना चाहिए, इसलिए कंटिन्यू लेक्चर आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो कई सारी चीजें हम लोगों ने जानी यहाँ पर। इसी के साथ में हम लोगों ने पहले ट्राइबल के बारे में जाना, इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जाना एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारी कंट्री में जो बेसिकली कैबिनेट के द्वारा सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए क्या स्टेप उठाए गए। इसी के साथ में स्टार्टअप से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ चीजें जानी, और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ई एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें जानी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। सितंबर महीने की कंबाइंड पीडीएफ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है, तो उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ में मेरे साथ में आप लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। लेक्चर को तभी लाइक और शेयर करना है अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने कुछ इससे नया सीखा है। अगर नया नहीं सीखा है तो इसका मतलब आप लोगों को इससे डिसलाइक करके जाइएगा और फीडबैक देकर जाइएगा कि हाँ क्या आप लोगों को लगा कि इसमें गलत था, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।